स्टूडेंट, आज हम करेंगे द पार्टनरशिप फंडामेंटल में द लास्ट टॉपिक द गारंटी टू अ प्रॉफिट। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है रिगार्डिंग द प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरी पार्टनरशिप फर्म में तीन पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ओके, अब ए बी सी तीन पार्टनर है, उनका पी एफ आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। मतलब अगर 4 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ए को 2 रुपये जाएगा, बी को 1 रुपये जाएगा और सी को जाएगा 1 रुपये। ओके, तो अब हुआ क्या, मिस्टर सी जो है वो उसको लग रहा है मैं ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप हम छोड़ के जा रहा हूँ। ए और बी ने पूछा, भाई तू क्यों जा रहा है छोड़ के, तू बहुत इंपॉर्टेंट है, तू इंटेलिजेंट है। सपोज करो सी सबसे इंटेलिजेंट है, तो सी ने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ टाटा बाय बाय पार्टनरशिप फर्म को। ए बी ने कहा भाई तू रुक जा, क्यों जा रहा है। सी ने कहा यार मुझे तो है ना प्रॉफिट की गारंटी चाहिए। तो ए बी ने कहा गारंटी का मतलब, सी ने कहा देखो कुछ भी हो जाए इस पार्टनरशिप फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो मुझे कम से कम लेट सपोज मुझे 28,000 रुपये चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 28,000 रुपये। मतलब सी ने कहा देखो मैं पार्टनरशिप फर्म में तभी रहूंगा अगर तुम मुझे वादा करो कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में रहूंगा और पूरे साल कम से कम मैं 28,000 रुपये कमाऊंगा, 28,000 रुपीज कमाऊंगा। तो ए बी ने कहा ये तो बात गलत है, कभी मुझे प्रॉफिट कम भी हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। सी ने कहा देखो यार ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा ही मिलेगा, पर अगर प्रॉफिट कम हुआ तो मुझे कम से कम 28,000 चाहिए। अगर तुम मुझे 28,000 नहीं दे सकते तो टाटा बाय बाय, मैं इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, बाय बाय। अब ए और बी परेशान हो गए। ए और बी ने कहा अगर सी छोड़ के चला गया तो ये पार्टनरशिप फर्म बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी, बिकॉज सी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ए बी ने बोला चल सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखो गारंटी देते हैं, देखो कम से कम इस पार्टनरशिप फर्म में साल के 28,000 रुपये देखो मिलेंगे कुछ भी हो जाए। अब सी बड़ा खुश, क्यों, क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म को क्या प्रॉफिट हो क्या लॉस हो, सी को तो 28,000 रुपये मिल ही रहे हैं। अब हुआ क्या, गारंटी किसने दी है, ए और बी ने गारंटी दी है कम से कम सी को प्रॉफिट कितना होगा, 28,000 होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। अब हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हाँ तो उसमें प्रॉफिट पता कितना हुआ, सर प्रॉफिट हुआ सपोज करो मेरे एग्जांपल में, सपोज करो प्रॉफिट 1 लाख हुआ, कितना हुआ टोटल प्रॉफिट 1 लाख हुआ पूरे पार्टनरशिप फर्म में। तो एज पर द एग्रीमेंट ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा और सी को कितना जाएगा, भाई 1 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 2:1:1 के अंदर। भाई पहले तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करूंगा 2:1:1 के अंदर। तो 1 लाख को मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 4 और ए का शेयर आया सर 50,000। ए का शेयर आया 50,000, तो अगर मैं ए को डिवाइड करूंगा, 1 लाख को डिवाइड करूंगा 2:1:1 में, तो 50,000, बी को 25,000 और सी को 25,000। यहां तक समझ में आया, नहीं आया, हाफ समझ में आया, भाई पार्टनरशिप फर्म को फायदा कितना हुआ, 1 लाख पूरे साल तीनों ने काम किया मन लगा के और फायदा हुआ टोटल 1 लाख का। अब एज पर द पार्टनरशिप डीड 2:1:1 में डिवाइड होना चाहिए, तो 50,000 25,000 25,000 डिवाइड हो गया। यहां तक समझ में आया, बट हमने क्या किया था, अब सी को कितने मिल रहे हैं 25,000। सी हो गया नाराज, तुमने मुझे कहा था इस पार्टनरशिप फर्म में मुझे तो 28,000 रुपये मिलेंगे, मुझे 25 कैसे मिले। वो रोने लग गया कि मुझे चाहिए 28,000। ए और बी ने कहा कोई तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे को 28,000 रुपये देंगे, तो 1 लाख में से 50 25 25 तो मैं डिवाइड कर चुका हूँ, मैं सी को 28,000 रुपये तो कम से कम देने वाला हूँ। मतलब सी को तो 28,000 रुपये मिलेंगे बिकॉज सी को मैंने गारंटी दी हुई है, अट्ठाईस हजार की। ओके, तो अब सी को प्रॉफिट शेयर
के हिसाब से तो 25 ही मिल रहा है, तो ये 3,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा सी को दे रहा हूँ। तो ये क्या 3,000 रुपये हवा से आएंगे क्या कि हाँ भैया 3,000 रुपये हवा से आए हमने दे दिए सी को? नहीं, ये 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जो हमें सी को देने पड़ रहे हैं ये ए और बी बियर करेगा, ये ए और बी बियर करेंगे, बिकॉज टोटल प्रॉफिट तो 1,00,000 है। अगर मैं 1,00,000 में ऐसे बांटने लग गया 50, 25 और 28 तो ये तो 1,03,000 बढ़ गया, प्रॉफिट तो 1,00,000 ही है ना। ऐसा तो नहीं होता 1,00,000 का प्रॉफिट मैंने 1,03,000 बांट दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, प्रॉफिट 1,00,000 है, सी का शेयर बन रहा है 25, 3,000 रुपये उसको और दे रहे हैं 28,000 बिकॉज उसको मैंने गारंटी दे रखी है। तो ये जो 3,000 है इट विल बी बियर बाय ए एंड बी, जो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। मेरे एग्जाम्पल में ये गारंटी मिस्टर ए और मिस्टर बी ने दी थी, हाँ मिस्टर ए और मिस्टर बी ने दी थी, तो जो भी शॉर्टेज हुई 3,000 की वो मिस्टर ए और मिस्टर बी बियर करेगा। इसका मतलब है टोटल जो शॉर्टेज कितनी की हुई 3,000 की, बिकॉज उसको 25 तो मिल ही रहे हैं, अब हम उसको 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 3,000 ए और बी बियर करेंगे अपने अपने अकाउंट से। और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो इन दोनों का शेयर क्या है, ए और बी का शेयर कितना है, 2:1:1 है, तो ए और बी का शेयर कितना है, सर 2:1 है, तो 2:1 के अंदर ये ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब 3,000 रुपये ए 2:1 और 2:1 में ए और बी डिवाइड करेंगे, मतलब 2,000 ए बियर करेगा और 1,000 ए बियर करेगा। इसका मतलब है जो सी को मैंने गारंटी दी है 3,000, इसमें से गारंटी माइनस करूंगा, ए से माइनस करूंगा 2,000 और बी से माइनस करूंगा 1,000 रुपये। सर क्यों? क्योंकि गारंटी हमने सी को दे रखी है 28,000 की, 25,000 ही मिल रहे हैं, तो 3,000 रुपये जो शॉर्टेज आया वो ए और बी बियर करेंगे। कौन से रेशियो में? 2:1 के अंदर करेंगे। और 2:1 का कौन सा रेशियो बनता है? 3,000 जो शॉर्टेज आया वो 2,000 और 1,000 होता है, तो 1,000 2,000 ये 1,000 ये, तो अब ए को मिलेंगे टोटल 48,000, बी को मिलेंगे 24,000 और इसको मिलेंगे 28,000। अब आप कैलकुलेट कर लो 48 + 24 + 28,000 कितने होते हैं, 1,00,000 रुपये होते हैं। समझ में आ गया? तो गारंटी के अंदर सबसे पहले तो आप प्रॉफिट डिवाइड कर लो एज इफ कोई गारंटी है ही नहीं, उसके बाद आप देखो भाई इसका शॉर्टेज कितना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ए और बी बियर करेंगे। अब एक और आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो कि मुझे जो फायदा हुआ है, सपोज करो 2,00,000 का, कितने का हुआ? 2,00,000 का। अब मुझे बताओ 2,00,000 का मुझे फायदा बिजनेस में कितना हुआ? 2,00,000 का फायदा हुआ। अब 2,00,000 का जो मेरा फायदा हुआ तो ए बी सी में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, हाँ, तो 2,00,000 को डिवाइड करो, 2,00,000 को डिवाइड करो ए बी और सी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है, तो 2,00,000 को 4 से डिवाइड करो, 50 50 2, इसको 1,00,000 रुपये, इसको 50,000 रुपये और इसको भाई साहब 50,000 रुपये। इसका मतलब है ए को मिलेंगे 1,00,000 रुपये, इसको मिलेंगे 50,000 रुपये, इसको मिलेंगे 50,000 रुपये। अब सुनो, मैंने सी को गारंटी कितनी दे रखी है 28,000 की, उसको मिल कितने रहे हैं 50, अरे यहाँ ज़्यादा ही तो मिल रहे हैं। गारंटी का मतलब होता है कम से कम 28 मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टोटल सी को कितने मिलेंगे 50,000 रुपये मिलेंगे। ओके, कितने मिलेंगे 50,000 रुपये मिलेंगे, इसको भी 50,000 रुपये मिलेंगे और इसको 1,00,000 रुपये मिलेंगे। सर इसमें हम गारंटी नहीं देंगे? नहीं, अरे गारंटी तो तभी इन्वोक होगी ना, गारंटी का प्रोविजन तब आएगा जब हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैं गारंटी तो नहीं इन्वोक करूंगा। हमने सी को कम से कम बोला है कि तेरे को भाई तेरे को 28,000 मिलेंगे, ज्यादा तो मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर 2,00,000 का प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म को, तो भैया हमने 1,50,000 50,000 बांट दिया 2:1:1 में, तो गारंटी का सवाल ही नहीं उठता, 28 से ज्यादा ही मिल रहे हैं, 28 से कम मिलेंगे तो गारंटी इन्वोक होगी। समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो मैंने देखा यहाँ पे लिख दिया, सम टाइम वन पार्टनर का एंजॉय द राइट टू हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, दिस अमाउंट इज कॉल्ड अ गारंटी। गारंटी में भी तीन तरह की होती है, नॉर्मली जो एक्सेस होता है इट इज, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो गारंटी है 3,000 रुपये की, ये जो गारंटी 28,000 की, ये कौन बियर करेगा? शॉर्टेज जो कि कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा, या तो ए गारंटी दे सकता है या बी गारंटी देगा, या ए और बी दोनों गारंटी देंगे। अगर ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं तो इक्वली देंगे या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, क्वेश्चन में
में क्लियरली लिखा होगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ए और बी जो भी रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे इन देयर पीएसआर। क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ 28,000 गारंटी, तो ए और बी बियर जो भी रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे इन देयर पीएसआर 2:1 के अंदर जो भी हमारा है। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। यह है आपका क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1:1, सी इज गारंटिंग 26,000 ऑफ द प्रॉफिट। ओके, चलो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हाँ, और मेरा जो नेट प्रॉफिट आया, मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 1,00,000 रुपए। वो बोल रहा है कि ए बी सी का जो रेशियो है 2A, 2B और 2C 2:1:1 है, 1,00,000 को 2:1:1 में बांटो। अरे भाई 1,00,000 को अगर मैं बांटूंगा 2:1:1 में बांटूंगा तो इसको 50,000, इसको 25,000, इसको 25,000, हाँ भाई, तो इसका मतलब है इसको 50,000, इसको 25,000 और इसको भी 25,000। अब सी को मैंने गारंटी, सी शेयर इज गारंटीड ऑफ ₹26,000 प्रॉफिट, मतलब सी को तो कुछ भी हो जाए 26,500 तो मिलने ही मिलने, कुछ भी हो जाए 26,500 मिलेंगे। इसका मतलब है ₹1,500 का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। अरे भाई सी को हमने गारंटी दे रखी है कम से कम ते को 26,500 मिलेंगे, 25,000 मिल रहे हैं, तो 1,500 का उसका शॉर्टेज हो गया, तो इसको तो मैं 26,500 दूंगा ही दूंगा। आई विल गिव हिम 26,500 तो मैं पक्का ही दूंगा। ओके, पक्का ही दूंगा। तो ये जो 1,500 है कौन बियर करेगा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए एंड बी। जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी डेफिशिएंसी कितनी हुई, 26,500 देने हैं, मिल रहे हैं 25,000, 1,500 और देने पड़ेंगे सी को भाई साहब, तो कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेगा। ओके, अच्छा भैया ये बात बताओ कितने बियर करेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कौन से रेशियो में तो हम 2:1 में बियर करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कौन से रेशियो में तो हम इसको जो ए और बी का जो शेयर है, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है सी का, तो सी हटा दो, सी हटा दो, सी की तो गारंटी मिल रही है, ए और बी कौन से शेयर में कर रहे हैं 2:1, तो जो 1,500 रुपए की गारंटी है 1,500 को डिवाइडेड बाय 3 ए का शेयर आ जाए 1,000 आ गया, और 1,500 डिवाइडेड बाय 3 × 1 तो ए बी का शेयर आ गया 500 आ गया, तो इसका मतलब है ये 1,000 बियर करेगा, ये 1,000 बियर करेगा, ये 500 बियर करेगा, जो भी शॉर्टेज आएगा 1,500 का वो ए और बी बियर करेगा। क्वेश्चन में रेशियो लिखा हुआ है ए और बी का 2:1 में करेंगे, तो ए को मिलेगा मात्र 49,000, इसको मिलेगा 24,500 और इसको मिलेगा 26,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया सी को गारंटी मिल चुकी। अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी आर द पार्टनर 2:1 अकॉर्डिंग टू दिस सी इज गारंटीड ऑफ दिस एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए एंड बी इक्वली। लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बनाया, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, सर मेरा नेट प्रॉफिट आया, टोटल को प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपए। वो बोलता है उसमें से ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है। सर रुको ना, सर ए का शेयर है 1,00,000 में 2:1:1 के अंदर कितना है 2:1:1, तो इसका मतलब है ए का शेयर आ गया 50,000, 25,000 और 25,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी को गारंटी दे रखी है 26,000 प्रॉफिट की, ओहो हो 26,000 प्रॉफिट सी को मिलना ही मिलना है, इसका मतलब है 1,500 रुपए का मेरा शॉर्टेज पड़ गया। अब ये 1,500 कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे इक्वली लिखा हुआ है, इक्वली क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो ए और बी का रेशियो देखेंगे 2:1, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी इक्वली, इसका मतलब है 1,500 को इक्वली डिवाइड करेंगे 750 ये 750 ये, मतलब सी को जो मैंने गारंटी दे रखी है 26,500 की, जिसमें से 1,500 शॉर्टेज पड़ रही है, 1,500 में से ए बियर करेगा 750 और बी बियर करेगा 750, इक्वली करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में इक्वली नहीं था इसलिए मैंने 2:1 में किया, पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वली तो ये हो जाएगा। तो 49,250, 24,250 और ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया आपको, गारंटी टू द प्रॉफिट का ये आपको सारा कंसेप्ट में आ गया, तो ये
मैंने आपको यहाँ पे कंसर्न करा था गारंटी टू पार्टनर, कि जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो कि गारंटी है ही नहीं, उसके बाद आप देखो कि कितनी किसको गारंटी मिल रही है। अगर प्रॉफिट उसको ज़्यादा ही आ रहा है तो गारंटी इन्वोक नहीं होगी, गारंटी इन्वोक तभी होगी जब मेरा प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो शॉर्टेज कौन बियर करेगा? वो पार्टनर जिसने गारंटी दी है। अगर सिर्फ ए ने दी है तो ए बियर करेगा, सिर्फ बी ने बी ने, अगर दोनों ने दिए तो कौन से रेशियो में, क्वेश्चन में क्लियरली आपको लिखा हुआ होगा। क्लियर है? लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, और इसी के साथ मैंने ये चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल पूरी तरीके से खत्म कर लिया है यूट्यूब पे। अब मैं चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ूंगा। होपफुली आपको ये जो सीरीज है वो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करो, अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, सब्सक्राइब जरूर करो ये चैनल सो दैट आपको मैं अकाउंट्स के अंदर ऑसम बना दूं। ओके, ये मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर लिए यूट्यूब में, आपने सब देख लिए होंगे, आपने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा जहां मैं नोट शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा, एंड अकाउंट ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लो जहां पे 100% कोर्स रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल है। एंड यस, डू सब्सक्राइब चैनल अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।